Chapter 2 Biological Classification. Now we are starting with another kingdom, that is Plantae. Kingdom Plantae में सारे plants को include किया जाता है और plants eukaryotic organisms होते हैं जिनमें chlorophyll present होता है. Chlorophyll एक green color का pigment होता है जो photosynthesis की process में helpful होता है और ये chlorophyll क्लोरोप्लास्ट में मिलता है जो प्लांट्स के सेल्स में होता है. क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो अपने फूड और नरिशमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं और खुद का खाना खुद बना सकते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूसर्स की तरह भी एक्ट करते हैं क्योंकि वो दूसरों को भी फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं पार्शली, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जांपल है ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो इंसेक्ट्स को प्रे की तरह पकड़कर उनसे अपना फूड और नरिशमेंट लेते हैं. इसके अलावा कुछ प्लांट्स पैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, मतलब दूसरे प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर अपना फूड और नरिशमेंट लेते हैं. प्लांट्स का एक और कैरेक्टर फीचर ये है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, इसीलिए प्लांट सेल वॉल को सेल्यूलोसिक सेल वॉल भी बोल सकते हैं. प्लांट्स में इंक्लूड होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इसके अलावा प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो अल्टरनेटिव फेजेस आते हैं. फर्स्ट फेज है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज एंड सेकेंड फेज है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज. ये फेजेस फ्री लिविंग है या किसी और पे डिपेंडेंट है या फिर कितने टाइम पीरियड तक की ये फेजेस हैं किन ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के, ये सारे ऑर्गेनिजम्स से वैरी करते हैं. मतलब ये सारे फीचर्स या प्रॉपर्टीज अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. इस फेनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं. इसके बारे में चैप्टर 3 में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स थे और एनिमल्स हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते और खुद का खाना और न्यूट्रिशन खुद को प्रोवाइड नहीं करा सकते, इसीलिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए. अब क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते ये, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है. मल्टी सेल्युलर होते हैं एनिमल्स. इसका मतलब एनिमल्स की बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स से बनी हुई होती है. एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट्स की बॉडी में जो सेल्स थे उनमें सेल्युलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स की बॉडी में सेल वॉल नहीं है. लेकिन वो सेल का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहता है, क्योंकि इनकी बॉडी में एक दूसरी लेयर या मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. अब क्योंकि एनिमल्स हीटरोट्रॉफ्स हैं तो वो ऑब्वियसली दूसरों पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. क्योंकि कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं,
और जो एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अपने फूड के लिए और नरिशमेंट के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं एक इंटरनल कैविटी में और बाद में उस फूड को ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं। एनिमल्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि इंजेशन ऑफ फूड, मतलब टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ। एनिमल्स डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, मतलब डेफिनेटली ये अडल्ट तक ग्रो करते हैं और अडल्ट एक डेफिनेट शेप के होते हैं और डेफिनेट साइज के होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में जो हायर फॉर्म्स होते हैं वो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं और ज़्यादातर एनिमल्स लोकोमोटरी होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के केपेबल होते हैं। एनिमल्स मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं जिसमें मेल और फीमेल का कोपुलेशन होता है और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। इसके बाकी सेलियंट फीचर्स आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। विटेकर्स क्लासिफिकेशन में इन चारों का कोई मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। आप में से जिनको भी फ्लू या कॉमन कोल्ड हुआ है सबको पता है कि वायरसेस का हमारी बॉडी पर कैसा इफेक्ट होता है। वायरसेस को क्लासिफिकेशन में इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि इनको ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको ही मानते हैं जिनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होने के साथ साथ ये भी माना जाता है कि वायरसेस लिविंग सेल्स के बाहर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और एक बार अगर ये किसी सेल को अफेक्ट कर देते हैं तो उसमें इन्वेड होकर ये उसकी मशीनरी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। वायरस वर्ड का मतलब होता है वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड और इन माइक्रोब्स को सबसे पहले मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको में देखा गया था और ये भी माना गया था कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से इजीली पास हो गए थे। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ऑब्लिगेट मतलब रिस्ट्रिक्टेड पैरासाइट्स, मतलब सिर्फ यही मोड ऑफ लाइफ वो अपना सकते हैं। सो दिस मीन्स उनको अपने सर्वाइवल के लिए और न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और की फीचर वायरस का ये होता है कि वायरसेस में प्रोटीन्स तो होते हैं, साथ में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, आरएनए और डीएनए। किसी भी वायरस में या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा, किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरसेस इन्फेक्शियस होते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और जो वायरसेस एनिमल्स को या हायर ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरसेस में जो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है वो कैप्सिड होता है जो कि कैप्सोमियर्स के छोटे छोटे यूनिट्स से बना हुआ होता है और इसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। ये कैप्सोमियर्स पॉलीहेड्रल या फिर हेलिकली अरेंज हो सकते हैं। वायरसेस इन्फ्लुएंजा,
मम्प्स, स्मॉल पॉक्स या फिर हर्पीस जैसे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, और ह्यूमंस में एड्स डिजीज जो होता है वो भी वायरसेस से ही होता है। अच्छा, ये सारे ह्यूमन डिजीजेस के बारे में तो अपन को अलग अलग सिम्टम्स से पता चल जाता है, लेकिन अगर प्लांट्स में वायरस ने कोई डिजीज कॉज किया है तो उसके लिए भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्रॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ जैसे सिम्टम्स प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। 1971 में टी ओ डायनर ने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि उनको मिला पोटैटो के स्पिंडल ट्यूबर में। ये एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज था, और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट था ये वायरस से भी छोटा था। और जब इसके बारे में स्टडी किया तब ये पता चला कि ये एक फ्री आरएनए है जिसमें प्रोटीन कोट नहीं है जो कि वायरसेस में था, इसीलिए इसका नाम रखा गया वायरॉइड। जो आरएनए इसमें था उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था। प्रायोन्स की अगर हम बात करें तो नए मेडिसिन में न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पाए गए जो कि इन्फेक्शियस थे, और वो ट्रांसमिटेड एजेंट्स भी थे जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट तो थे लेकिन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे वो। ये एजेंट्स भी वायरसेस से मिलते जुलते थे, इसीलिए इन एजेंट्स को प्रायोन्स नाम दिया गया। और इनसे सबसे ज़्यादा जो डिजीज फैली वो थ्री ब्रोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी BSE, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज जो कि कैटल्स में होती है, और एक डिजीज ह्यूमन में भी होती है जिसको CR जेकब डिजीज बोलते हैं CJD। लाइकेंस की अब अगर हम बात करें, लाइकेंस सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। लाइकेंस क्या करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बना लेते हैं जो कि म्यूचुअली यूज़फुल होती हैं, मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल होती हैं। जैसे फंजाई ने एल्गे के साथ एसोसिएशन बनाई तो वो उन दोनों के लिए यूज़फुल है, और माइकोराइजा ने अगर हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाई तो वो दोनों एक दूसरे का फायदा करेंगे। अगर हम एल्गी और फंगाई के बीच का एसोसिएशन की बात करें तो उसमें जो एल्गल कंपोनेंट है उसको बोलेंगे फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको बोलेंगे माइकोबायोंट। इसमें से जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफिक है और जो फंगल कंपोनेंट है वो हीटरोट्रॉफिक है। इसका मतलब जो एल्गी प्रेजेंट है उस एसोसिएशन में वो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाते हैं, और वो फंगल कंपोनेंट को फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब फंगल कंपोनेंट हीटरोट्रॉप्स इसीलिए हो गए क्योंकि वो एल्गी से अपना फूड और नरिशमेंट ले रहे हैं इस एसोसिएशन में। अच्छा, अब मैंने बोला कि ये म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं, तो इसमें एल्गी ने तो फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड किया फंजाई को, अब फंजाई इन रिटर्न क्या देगा एल्गी को? शेल्टर प्रोवाइड करेगा। लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, क्योंकि लाइकेंस पॉल्यूटेड एरियाज में कभी ग्रो नहीं करते हैं, इससे पता चल जाता है कि उस एरिया में पॉल्यूशन है। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।